एक व्यक्ति जो लगातार ये कहता रहता था कि वो अपनी कुर्सी छोड़ना चाहता है, लेकिन उसकी कुर्सी उसे कभी नहीं छोड़ेगी। वही व्यक्ति आज विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद न केवल राजस्थान की सत्ता से बाहर है, बल्कि कानूनी मोर्चे पर भी परेशानियां झेल रहा है। राजस्थान में अभी नई सरकार का गठन भी नहीं हुआ है और उससे पहले ही गहलोत की परेशानियां शुरू हो गई है। दिल्ली के रोज एवेन्यू कोर्ट ने गहलोत के खिलाफ अवमानना केस में सुनवाई शुरू करने की इजाजत दे दी है। पूर्व मुख्यमंत्री को कोर्ट की तरफ से ये बड़ा झटका लगा है। गहलोत के गृह जिले यानी जोधपुर में ही उनके पुत्र वैभव गहलोत को हराने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनके खिलाफ अवमानना का केस दायर किया था। बता दें, गहलोत ने शेखावत और उनके परिवार के सदस्यों पर संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाए थे और उनके खिलाफ अपमानजनक बयान दिए थे। तब शेखावत ने अशोक गहलोत के खिलाफ अवमानना का केस दायर किया था। कोर्ट के एडिशनल सेशन जज एम के नागपाल ने एक विस्तृत ऑर्डर जारी किया है। कोर्ट ने गहलोत द्वारा दायर की गई पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है। माननीय SCMM कोर्ट द्वारा पारित आदेश के बाद जारी किए गए समन के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री शेखावत द्वारा दायर की गई याचिका पर गहलोत को आरोपी मानते हुए समन जारी किए गए थे। इस आदेश के जारी होने के बाद से ही गहलोत को पहले व्यक्तिगत उपस्थिति और जमानती मुचलका करने में जो छूट मिली हुई थी वो भी अब समाप्त हो गई है। बता दें, अगर इस केस का निर्णय गहलोत के खिलाफ आता है तो न केवल उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा, बल्कि वो अपनी विधानसभा की सदस्यता से भी हाथ धो सकते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी नगरी न्यूज। मैं सिद्धिका मनोहर आपके साथ, शुक्रिया।